और इस तीन पॉइंट के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है. रिव्यू सुरक्षित रह गया है. दिल्ली वाले अगर जल्दी में रहते हैं तो सही फैसला भी करते हैं. प्रपंचन शिकार हो गए. बहुत खूब दिल्ली. पिछले कुछ समय में देखिए दो सिर्फ असफल टैकल हैं दबंग दिल्ली के. इस मुकाबले में पांच बंगाल वॉरियर्स के हैं. जब आप फेल टैकल करेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि आप पॉइंट्स गिफ्ट में दे रहे हैं अपनी सामने वाली टीम को. टैकल मत कीजिए, कीजिए तो श्योर शॉट कीजिए जैसा इस बार किया गया. बिल्कुल पूरी तरीके से कमिटेड थे डिफेंडर्स. और यहां देखे मिराज को पीछे से गिरफ्त में लिया, आगे पीछे दोनों तरफ से रोड ब्लॉक. विशाल माने को देखिए एंड लाइन का कितना बढ़िया नॉलेज है. ये एक पैर क्या एंड लाइन को क्रॉस किया. बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर ये टैकल हुआ है. सुपर टैकल के दो पॉइंट्स मिलेंगे. मोहम्मद नबी बख्श की जिम्मेदारियां काफी बढ़ चुकी हैं. 54% सेकेंड हाफ में रेट स्ट्राइक रेट है. और ये देखिए हमारी जुबान से निकला और नबी का काम खराब हो गया. बहुत वक्त ले लिया वो बैक किक लगाने में. इतनी देर में इंसान एक ट्रैफिक सिग्नल से दूसरे तक पहुंच जाए दिल्ली शहर में. और यहां देखिए नबी बख्श क्या कह रहा होगा विशाल माने. अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी कतई नहीं है. शेगड़े फॉर्म में और अच्छा यहां पर अटेम्प्ट. दो पॉइंट मिला है, मिलेंगे उन्हें. सोमवीर आए हैं. सोमवीर को हमने पहले देखा है कबड्डी के तौर पर खेलते हुए. और सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि और यहां पे प्रपंजन ने रेडर बंगाल वॉरियर्स चंद्रन रंजीत को आउट किया है. हमें इंतजार था नवीन के सुपर टेन का, लेकिन प्रपंजन अपना काम बखूबी कर गए, खामोशी के साथ कर गए. अपनी टीम को लगातार संबल दिया प्रपंजन ने और कुल मिलाकर ये उनका नौवा सुपर टेन प्रो कबड्डी में. और ये क्या नवीन का भी सुपर टेन पूरा. और फिर बचेगी सिर्फ एक रेड. और पॉइंट ले लिया है यहाँ पर प्रपंजन ने. क्लेम कर रहे हैं ये टच पॉइंट मिलता है या नहीं. रिव्यू लिया गया. ये देखिए प्रपंजन ने अपने कदमों का जितना संभव था एक्सटेंशन किया. तकरीबन वो हवाई मुद्रा में आ गए. हाथ भी उन्होंने पूरे खींचे लेकिन क्या गफारी को टच हुआ. रिव्यू अनसक्सेसफुल. वन टच पॉइंट बंगाल वॉरियर्स. कैप्टन नो मोर रिव्यू. बंगाल वॉरियर्स को वन पॉइंट. यहां पर गेम पलट गया. फिर से डिसीजन चेंज. क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है दादा. वीवो प्रो कबड्डी सीजन 7 में गेम टाई हो चुका है. डिसीजन पलट गया. दादा सोच में पड़ रहे हैं. दादा कुछ बताइए क्या हुआ. कहना बड़ा मुश्किल है. वो टच नहीं दिया गया है और चूंकि डू और डाई थी इसलिए बाहर जाना पड़ा है प्रपंजन को. और ये मुकाबला यहां पर खत्म हो गया है.